अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दरअसल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि वर्थफुल ही हैं या नहीं है, ये तो मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊँगी। तो जी चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दो चीज़ें पहले ऑर्डर की थी जो कि मुझे एक साल रिसीव तो नहीं, बट थोड़ा टाइम लगा के रिसीव हो ही गई थी। तो सबसे पहले मैंने मंगवाए थे ये वॉल स्टिकर, जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसके डिज़ाइन भी बड़े यूनिक से हैं। और इसकी जो प्राइस है मैं यहाँ पर मैंशन कर देती हूँ, इसकी प्राइस कुछ 30 रुपीज़ की थी। तो फिर जो है मैंने भी दो स्टिकर मंगवा लिए थे, यानी ये 30-30 रुपीज़ के थे और जो कि डिलीवरी समेत मुझे तकरीबन कुछ 150 के पड़े में भी। और लेकिन इसमें डिज़ाइंस बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं और मुझे पसंद भी आया। तो ये देखें कुछ इस तरह के डिज़ाइन है, काफ़ी देसी टाइप्स। तो जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो फिर मैं आपके साथ जो है इसको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इसे कहाँ पेश करती हूँ, कहाँ नहीं करती हूँ। और साथ साथ इसके प्राइस भी मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाएगी। दराज पर काफ़ी चीज़ें आपको जो है अच्छी और सस्ती मिल जाती हैं। तो इस तरह से मुझे दो रिसीव हुई हैं। दैन उसके बाद मैंने क्या ऑर्डर किया वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैं उसे ऑर्डर करने से पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने कहा चलो कुछ अच्छी चीज़ है, मुझे कुछ हैंग करने के लिए चीज़ें चाहिए। तो मैंने हुक्स ऑर्डर किए, तो फिर मैंने जो है ये हुक्स मंगवाए हैं जो कि मुझे 85 के 3 पड़े हैं और इस तरह से दिखते हैं, अप एंड डाउन भी हो जाते हैं। और क्या है, मैंने रिव्यूज़ तो पढ़े तो सब ने कहा कि बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी उसे ऑर्डर कर देती हूँ। फिर मैंने इसे ऑर्डर कर लिए, तो फिर जनाब ये हुआ कि जब मैंने इसको दीवार पे पेस्ट किया तो ये तो चिपक ही नहीं रहे थे, बार बार उतर जाते थे। मैंने इसके पहले के बहुत ही लाइट वेट चीज़ें हैंग की थी, जैसे कि आईडी कार्ड वगैरह मैंने एड्स में लगाया था, तो मेकअप से बिल्कुल ये नो है, ठीक है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप लोग अगर परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो ना करें, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर मैं अब ये सोच रही हूँ कि मैं इसके पीछे जो है ये एल्फी या ग्लू लगा के जो इसको एडजस्ट करूँगी वॉल पर, ताकि जो मुझे हैंग करना है वो मैं कर सकूं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने दराज से क्या ऑर्डर किया था। तो वो चीज़ मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट देना चाहती थी, तो मैंने सोचा कि दराज से ही कुछ चीज़ ऑर्डर कर ली जाए, मुझे बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छी वो चीज़ है और ये है कि उसमें आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं जो कि बहुत ही अच्छी हैं। और सबसे बड़े मज़े की बात, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके अंदर कीचेन भी है, वॉलेट भी है और साथ साथ जो है पेन भी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, तो आप अब इसको वॉच कीजिएगा फिर। तो जी बॉक्स उसका कुछ इस तरह से दिखता है, मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखा दिया कि इसके प्राइस कितने थे, 825 थे, ठीक है। और इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, प्योर लेदर नहीं है आई नो, बट इसका जो क्वालिटी है ना बहुत ही अच्छी है, ठीक है। इसे मैंने जो है कस्टमाइज़ किया हुआ था, आबिद ले लिखवाया था और मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, मैंने गिफ्ट करना चाहती थी और ये था भी उनका एनिवर्सरी गिफ्ट, तो मैंने उनको पहले ही दे दिया। मैंने कहा थोड़ा ज़रूरत है अभी इसे इस्तेमाल हो जाएगी। ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने जो ऑर्डर किया था दराज से, ये सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट रहा है, तो मैं आपको तो दिखाना ज़रूर बनता ही है। तो ये कुछ बॉक्स में इस तरह से दिखता है। दरअसल ये है मेकअप स्टोरेज रोटेटर, जिसके अंदर आराम से अपनी चीज़ें जो है वो स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी कम स्पेस लेता है। और इसके प्राइस मैंने आपके सामने मेंशन भी कर दिए हैं, 14.99 का है। और बट इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने इसको रखा था भी अपनी ड्रेसिंग पे, तो मैं आपके साथ अभी जो है वो शेयर भी करूँगी, ठीक है। इससे आपकी ड्रेसिंग और वैनिटी बहुत ही खूबसूरत लगती है। सो जी, ये वीडियो मैंने पहले ही फिल्म कर ली थी आप लोगों के लिए, किस तरह से पैक हो कर आया है, क्योंकि इसकी पैकिंग बहुत ही लाजवाब थी, मैं पैकिंग से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि दराज की पैकिंग किसी किसी प्रोडक्ट की अच्छी नहीं होती है, तो वो अंदर से डैमेज भी होता है। तो पैकिंग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि अंदर सब चीज़ें, बस दुआ कर रही थी कि सेट हो, कोई टूटे ना, कोई स्क्रैच ना पड़े, क्योंकि जो मैंने ऑर्डर किया तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है। तो बस इसी वजह से मैंने उनको मेक श्योर किया था कि प्लीज़ आप जब मुझे सेंड करें तो इसकी पैकिंग का लाजमी और ख़ास ख्याल रखना। तो इन्होंने मुझे मायूस बिल्कुल भी नहीं किया, पैकिंग इसकी 10/10 थी।
और चीज़ें भी अंदर से कोई भी डैमेज नहीं थी। तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट था इन लोगों का, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि मैं कब से बाय करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा अब इसका ऑर्डर दे ही देते हैं, और ये वैनिटी की लुक और ड्रेसिंग की लुक बिल्कुल ही बदल के रख देता है। फिर इसे रोटेटर में है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस है, अपनी मर्ज़ी से आप इसको एडजस्टेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बस इसके अंदर मैनुअल नहीं था और उसको हमने एडजस्ट करना था। तो बट मैंने अपने हस्बैंड की मदद ली, तो उन्होंने मुझे ये एडजस्ट करके दे दिया। ये इसका सबसे ऊपर का हिस्सा है, ये सबसे नीचे का इसका बेस है जिस पे ट्रे टाइप बना हुआ है, उस पर सब चीज़ें असेंबल करेंगे, ठीक है। और इसकी शीट्स हमें दो शीट्स मिली हैं जो ये क्रॉस होके लगती हैं, इस तरह से ये क्रॉस होके लगती है। इसके सेंटर में स्पेस है, इसमें क्रॉस होके हम इसको लगा देंगे, और ये साथ पे जो है वी टाइप की जो शेल्फ्स हैं ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। और साथ में इसके रबर बैंड दिए हुए हैं जो कि इसके जॉइंट्स को मजबूत करते हैं, और वैनिटी पे रखा हुआ तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, तो मैंने इसे निकाल के जो बाहर रख दी है। और ये टीन थी जिसको मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसको मैंने इस बॉर्डर में शिफ्ट कर दिया जो कि बहुत कन्वीनियंट इसे यूज़ करना, और रबर बैंड आपको ऊपर नज़र आ रहे होंगे जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। ये छोटी सी बास्केट है जिसके अंदर मैंने बहुत रैंडम सी चीज़ें रखी हुई हैं, और सैनिटाइजर्स हैं, हेयर स्प्रे है, और कुछ हमारे स्किन प्रोडक्ट हैं जो कि मैंने अपने यहाँ का वैनिटी पे सजा के रखे हुए हैं। और सब कहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है वैनिटी, और जब से मैंने इसको असेंबल किया है तो मैं आपको ये रिकमेंड करती हूँ, 100% रिकमेंडेड है। मेरी हिसाब से इतना कुछ इसको नहीं इतना सेट किया, बस जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना बहुत ज़्यादा तो वो मैंने निकाल के रख दिया। या हर ने अपने कलर्स भी यहाँ ला के रख दिए, बच्चे तो बस यही करते हैं। सो जी दैट्स इट आज की वीडियो। अगर आज की मैंने साइट आपके साथ शेयर कर दी हैं जो कि बेस्ट हैं और जो कि बेस्ट नहीं हैं, तो अगर आप मंगवाने का सोच रहे हैं तो आप देख लीजिएगा। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहेगा। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो या नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।